हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मेरा नाम जितेंद्र। आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है वायरिंग्स, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रिक के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बाइक के बारे में, क्योंकि आप बाइक राइड कर रहे हैं। और अब फर्स्ट एड बोलते हैं ना, फर्स्ट चेक आपको क्या करना है, कनेक्शन कौन से चेक करने हैं। जब एक गाड़ी का जब आप इग्निशन स्विच चालू करते हैं और आपके मतलब बोलते हैं ना, अगर मीटर वर्क नहीं कर रहा है, हेडलाइट वर्क नहीं कर रहा है, हॉर्न वर्क नहीं कर रहा है, इंडिकेटर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट चेक क्या करना चाहिए वो इस वीडियो में कवर किया जाएगा। और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो आपको फर्स्ट लाइव में बताया हुआ है, इसके लिए मैं वीडियो लाइव भी बनाई हुई है बुलेट के साथ में, वो मैं इसके बाद दिखाता हूँ। फर्स्ट आपको क्या क्या चेक करना है वो मैं इधर बता देता हूँ आपको। फर्स्ट आपको बैटरी वर्क कर रही नहीं कर रही है वो चेक करनी है। तो अगर बैटरी वर्क कर रही है तो आपको फ्यूज चेक करना है। फ्यूज कैसे चेक करना है वो मैंने बता रखा है। बैटरी देखिए, बैटरी का वैसे डेट कुछ टाइमिंग नहीं होता है वैसे नॉर्मली, मगर फिर भी एक टाइमिंग आप ध्यान में रखिए कि उसको चार्ज करना होता है या फिर रिप्लेस करना होता है, वो है 1500 किलोमीटर्स के बाद में, सॉरी 15000 किलोमीटर्स के बाद में आपको चेंज करना होता है बैटरी को। चेंज कर देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बैटरी वर्क नहीं कर रही तो डायरेक्ट करना पड़ता है। वो डायरेक्ट करने का जो प्रोसेस है बुलेट में थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो छोटा छोटा नॉलेज है वो इजीली डायरेक्ट कर सकता है बुलेट को, बट इतना झमेला करने से अच्छा है कि टाइम टाइम अपनी गाड़ी को थोड़ा टाइम दीजिए और रिप्लेसमेंट जो चीज़ रिप्लेस करनी होती है वो रिप्लेस करते रहिए। इस एक वीडियो और बनाऊंगा जो जो आपको किस टाइम पर रिप्लेस करना होता है, चेंज करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पार्ट्स फर्स्ट एड जो चेक करने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद का आपको सर्किट भी दिखाया जाएगा, पूरा सर्किट जो मतलब हमारे बुलेट के जो वायरिंग सर्किट है वो पूरा इसमें दिखाऊंगा, इमेज के साथ में भी और लाइव भी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मेन पार्ट से, जो है फ्यूज चेक करना होता है। सबसे पहले क्लासिक है ये, मेरी बाइक है, इसमें आप फ्यूज देखते हैं 10 का है, 15 का है। देन इसमें क्या है, वो दो जो है स्पेयर्स में दे रखे हैं, एक्स्ट्रा दे रखे हैं, एंड दो यूज्ड में हैं। आप इसके कनेक्शन देखेंगे, मैं दिखा रखा है वीडियो में 15 वोल्ट का एंड 10 वोल्ट का। ये एक और फ्यूज है, ये ट्यूब वाला जो बोलते हैं ना, ट्यूब वाला जो पहले गाड़ी में यूज़ किया जाता था वहाँ है। ये प्लस मतलब बैटरी में नेगेटिव पॉजिटिव दो फेस होता है, तो दो फेस के लिए मैं आपको दिखाता हूँ खोल के इसको अच्छे से, ताकि आपको आइडिया हो। हाँ, रेड वाला जो है वो अपना पॉजिटिव है एंड इस साइड वाला जो है वो नेगेटिव है। याद करिए दोनों में ध्यान से, दोनों में आप ग्रेस जरूर लगाइए, दोनों का जो कनेक्शन होता है उसमें ग्रेस जरूर लगाइए। हाँ, ये है अर्थिंग, जो बाइक को अर्थिंग मिलती है, जैसे ये वायरिंग आप देख रहे हैं, ये पूरी वायरिंग आगे हैंडल तक जाती है, पूरे हैंड आगे तक जितना भी आपका कंट्रोल है, जो आप हैंडल से आराम से कर लेते हैं, पूरी वायरिंग वहीं से होकर जाती है। किसी भी चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव दो फेस अगर मिल रहे होते हैं तो वो मतलब यहाँ का जो फ्यूज़ जो मैंने आपको दिखाया वो उड़ जाता है वहाँ से, ठीक है। तो फ्यूज़ भी आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्या पता कभी बारिश में भी ऐसा होता है कभी फ्यूज़ उड़ जाता है। फ्यूज़ चेक करने के लिए आप उसको बाहर निकाल कर आप देख सकते हैं उसका दोनों वायर जुड़ा होना चाहिए। ये इसको बाहर निकालेंगे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वो जला हुआ है कि नहीं जला हुआ है, ठीक है। अगर जला हुआ है तो अगर 15 की जगह पर है तो 15 लगा दीजिए। ये इंडिकेटर के लिए है, इंडिकेटर का जो ब्लिंक करती है लाइट उसके लिए है, ठीक है। एंड इसमें आप मैक्सिमम चीज़ें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, छूने की जरूरत नहीं है, वो अपना प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, ठीक है। इंडिकेटर टोनर लगा रखा है, देन जो बोलते हैं ना आपका जो सेल्फ स्टार्ट लेने के लिए जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो सेल्फ स्टार्ट में वर्क करता है, ठीक है। बैटरी से पावर ले जाकर उस मोटर को पावर देता है। ऊपर अर्थिंग का आप देख रहे हैं, जो क्या बोलूँ मैं इसको, आप देखिए क्लोजली इसको अच्छे से बंद करिए क्योंकि इसके अंदर वो मतलब पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक फ्यूज़ जो है वो एडवांस है, पहले ट्यूब वाले आते थे वो नॉर्मली चलते थे, मगर अभी वैसा नहीं है, अभी एडवांस आ गए हैं, चिप टाइप बना दिया है, चिप टाइप है वो भी अच्छा है, मतलब थोड़ा टेक्नोलॉजी तो एडवांस होना चाहिए, ठीक है। एंड ठीक है, वायरिंग का एक इशू है कि आप
नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कट करके कुछ भी चीज चेंज करते हैं। कटिंग वायरिंग में ज्यादा नहीं होने चाहिए, हमेशा याद रखिए कि जितना ज्यादा कटिंग करेंगे उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको बाद में फेस करना पड़ेगा। तो आप कटिंग कम से कम करिए अपनी गाड़ी में, और जो अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो बैटरी के थ्रू डायरेक्ट करिए, ठीक है। एक बैटरी के थ्रू वायर लगाइए और वहां से आप सारे उसको कनेक्शन दीजिए, ठीक है, ताकि आपको बैटरी के थ्रू अलग, जो आपको मॉडिफिकेशन का वायरिंग अलग हो और बाकी वायरिंग अलग हो। एंड अभी हम देखते हैं इसका सर्किट, ये पूरा सर्किट है, मतलब बैटरी से लेकर हेडलाइट टेल लाइट सब भी चीज़ ने बता रखा है, कितने वो कितने पावर का बैटरी होना चाहिए, स्पार्क प्लग में कहाँ से सर्किट जाता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने ये आपको क्यों दिखाया है। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, कौन सा वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है वो हमें पता नहीं होता है। इग्निशन कॉइल से बैटरी से इग्निशन कॉइल तक कैसे जा रहा है, ठीक है, एंड हॉर्न के लिए कौन सा वायर कहाँ जा रहा है वो सब नहीं पता होता है नॉर्मली। तो अगर ये आपको नॉर्मल थोड़ा ड्राइंग्स देखने की, अगर डायग्राम्स देखने की अगर आपकी थोड़ी सी भी उसमें नॉलेज है तो आप इसको कैच कर सकते हैं कि कौन सा वायरिंग कहाँ जा रहा है। नहीं, मेरे लिए मेरे बहुत बेनिफिशियल था, बीच में और बहुत मैं और मेरा फ्रेंड फंस गए थे, बट फिर भी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था प्रॉब्लम। ड्राइंग्स थोड़ा सा हमको हेल्प मिली थी कौन सा वायरिंग कहाँ जा रहा है, उसके बाद हमने उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था। फ्यूज़ का भी इशू आया था क्योंकि फ्यूज जो था वो मुझे नहीं मालूम था कि इसमें फ्यूज़ ऐसा आता है, तो वी थॉट कि कुछ और चीज़ होगा, बट आफ्टर सर्चिंग और पता करने के बाद पता चला वो फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ भी नया तरीके का है, मेरे को तो मालूम था ट्यूब वाला ही फ्यूज़ आता है, ट्यूब वाले फ्यूज़ के ऊपर मेरे को नहीं मालूम था, बट धीरे धीरे मैंने वो भी पता किया है ना, अगर जैसे ही मैं पता चला तो वी थॉट कि आप लोग वीडियो बनाऊँ इसके लिए और आपको बताऊँ कि वो फ्यूज़ कैसा होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पूरा सर्किट समझ सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, रॉयल एनफील्ड बुलेट्स सॉरी रॉयल एनफील्ड सर्किट डायग्राम, तो आपको ये मिल जाएगा, इजी है, आप उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, ठीक है।